हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, स्किन केयर और फैशन के बारे में एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया एक ऑरेंज ऑयल, ऑरेंज का सीरम भी आपके साथ शेयर किया है, ऑरेंज के फेस पैक्स भी आपके साथ शेयर किया है। तो ऑरेंज जो होता है ना गाइस, वो अपनी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें भर भर के होता है विटामिन सी, जो अपने स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, और इसीलिए हमारी स्किन बहुत ही यंग और यू नो एकदम सपल और सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। ये जो ऑरेंज ऑयल है गाइस, आप की स्किन में अगर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। और इसके साथ अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, या यू नो दाग है, पिगमेंटेशन है, तो उससे भी कम करने करेगा। सो गाइस, बहुत इजी है ये ऑरेंज ऑयल बनाना। आपको बस एक ऑरेंज लेना है और उसका जो छिलका है निकाल लीजिए अच्छे से। मैंने 2-3 ऑरेंजेस लिए है और उसका पूरा छिलका मैं निकाल रही हूँ। तो इसके बाद इन छिलकों को आपको क्या करना है, अच्छे से ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल भी आप डाल सकते हो, आपकी स्किन को जो ऑयल सूट करता है ना, आप वो ऑयल यूज कीजिए। तो मैंने यूज किया है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल इसमें डालिए अच्छे से, ये पूरे छिलके ना अच्छे से डिप हो जाने चाहिए ऑलिव ऑयल में। और फिर उसके बाद इसको डबल बॉयल कीजिए। डबल बॉयल कीजिए मतलब गर्म पानी रखिए एक पॉट में, जब भी बॉयल हो जाएगा तभी उसमें ये छोटे से कटोरी को रख दीजिए ना 3-4 मिनट के लिए, बस दैट्स इट गाइस। और इसके बाद आपको इस ऑयल को स्टोर करके रखना है एक ग्लास के डिब्बे में, और एक दो दिन तक आप ऐसे ही रख दीजिए इसे, ताकि जो भी गुडनेस से इसमें मिक्स हो जाए, और फिर आप लोग इसे अच्छे से यूज कर सकते हो। तो गाइज, ये रहा मेरा ऑयल, मैंने इसको मिक्स करके रखा है। इसमें अभी अच्छे से ये ऑरेंज के जो भी गुडनेस है वो पूरे इन्फ्यूज हो गए हैं इस ऑयल में। तो आप लोग अभी इस ऑयल को अपने स्किन पे लगाइए, आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा रात को सोने से पहले भी आप ऐसे पूरे अपने हाथों पे, पैरों पे और अपने फेस पे अच्छे से लगा के भी आप लोग सो सकते हो। तो गाइस, आप अपना कोई भी फेस क्रीम है ना, उसके साथ एक दो ड्रॉप्स इस ऑयल को ऐड कर सकते हो, और फिर अपने फेस क्रीम के साथ उसको मिक्स करके भी लगा सकते हो। या तो आप इस ऑयल से फेस पैक्स भी बना सकते हो, मतलब आप थोड़ा सा ये ऑयल लीजिए और उसमें थोड़ा सा ओट्स का पाउडर डालिए और फिर अपने स्किन पे लगाइए और थोड़ी देर के लिए रखिए और फिर वॉश कर लीजिए। आप ऐसे भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट है आप लोग यूज़ कर सकते हो, फेस पैक्स के साथ या क्रीम्स के साथ या सिर्फ ऐसे ही। तो गाइस, ये जो ऑरेंज ऑयल है ना, ये एक्चुअली रेटिनॉइड के जैसे काम करेगा आपके स्किन पे, और इसीलिए एक एंटी एजिंग के जैसे काम करेगा। तो अगर आपकी स्किन पे फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो उसको भी कम करने में ये बहुत हेल्प करेगा। सो जरूर इसे करके देखना गाइस। और अगर आपको मेरा पता तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। मैं एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे को न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ मेकअप, स्किन केयर और फैशन रिलेटेड। सो शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियोस, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिले इन यू नो इजी इजी होम मेड रेमेडीज के। और गाइज, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है ना, उसे भी जरूर क्लिक करना, क्योंकि अगर आप बेल बटन क्लिक नहीं करोगे ना, तो आपको मेरे वीडियोज जब भी मैं अपलोड करती हूँ तभी नहीं मिलेंगे, 2-3 दिन लेट मिलेंगे। सो बेल बटन जरूर क्लिक करना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ ना ट्यूसडे या सैटरडे को, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो गाइस, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय एंड टेक केयर।